Hello students, good morning students. So today we are going to continue our chapter, chapter number 10, ratio, proportion and unitary method. Okay, हमने 10A exercise की कुछ questions को किए बच्चों, तो 10A exercise में ratio से related questions थे, ठीक है. हमारा जो 10B exercise है, इस exercise में हमें जो इस chapter में second चीज़ की study करनी थी, proportion, है ना. तो proportion का मतलब हम इस exercise के अंदर समझेंगे, ठीक है. क्योंकि अगर आप प्रपोर्शन नहीं समझ पाएंगे तो बेटा ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं हो पाएंगे, ठीक है. तो देखिए, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी इसी प्रपोर्शन से रिलेटेड ही हैं, ठीक है. तो प्रपोर्शन होता है क्या है बच्चों? तो देखो, रेशियो हमने क्या समझा था, जब दो ऑब्जेक्ट्स का कंपेरिजन हम आपस में करते हैं तो वो रेशियो कहलाता है, ठीक है. बट अगर हम किसी दो रेशियो का कंपेरिजन करें आपस में, है ना, दो रेशियो, आपके पास एक पर्टिकुलर कोई रेशियो है, ठीक है. जैसे इसको एग्जांपल से समझिए, मेरे पास एक रेशियो है 2:3 का, ठीक है. ये मेरे पास मेरा फर्स्ट रेशियो है, ठीक है. उसके बाद मैंने एक और रेशियो दिया 6:9, ठीक है. ये मेरा दूसरा रेशियो है, ठीक है. आपके पास दो रेशियो हैं. अगर आप इन दो रेशियो को कंपेयर करें, क्या करें, इन दो रेशियो को आपस में जब आप कंपेयर करते हैं, इसी को कहा जाता है प्रोपोर्शन, ठीक है. जैसे देखिए, ये हमारा रेशियो क्या है, 2:3, ठीक है. अब अगर मैं इसको क्या करूं, मैं इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेकर आऊं, ठीक है. मतलब जो 6:9 का रेशियो है मेरा, उसका अगर मैं सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करूं, तो देखिए, अगर मैं इसको 6/5 लिखती हूं और डिवाइड करती हूं, दोनों को डिवाइड करती हूँ 3 से, ठीक है. तो क्या आता है बेटा मेरा, 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम, और 3 की टेबल में 9 कितने टाइम आता है, 3 टाइम, है ना. तो इस रेशियो का, 6:9 रेशियो का सिंपल रेशियो क्या आया, सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया, 2:3, है ना, ठीक है. तो इसका रेशियो भी 2:3 आया और ये भी 2:3 था. तो बेटा जब हमने इन दोनों रेशियो को कंपेयर किया तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या है, पुशनेट है. समझ में आ रही चीज, क्यों दोनों रेशियो देख रहे हैं आप, सेम है ना. तो इस तरीके के रेशियो को क्या बोलेंगे बेटा, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मेरा रेशियो है 2:3 और ये जो मेरा है 6:9, ये दोनों आपस में क्या है, प्रोपोर्शनेट हैं. और उस प्रोपोर्शनेट को इंडिकेट कैसे करते हैं बेटा, तो इस तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है. तो आप यहाँ पे टू पेयर्स के इस टू लगाएंगे बीच में, ठीक है. ये रेशियो का कंपेयर आपने किया है इस रेशियो से और ये दोनों रेशियो आपस में प्रोपोर्शनेट हैं, इसलिए हमने ये इस तरीके का इंडिकेशन दिया, ठीक है. तो ये जो इंडिकेशन है, ये किसका इंडिकेशन बेटा, ये इंडिकेशन होता है प्रोपोर्शनेट का, ठीक है. ये प्रोपोर्शन का इंडिकेशन होता है, ओके, क्लियर. ये आपस में प्रोपोर्शनेट कब हुए, क्योंकि जब हमने इसको डिवाइड किया, इसको और छोटा किया, तो छोटा करने पे हमें क्या रेशियो मिला, 2:3 का रेशियो मिला, और इधर भी क्या था, 2:3 था, ठीक है. तो ये दोनों रेशियो आपस में क्या हो गए, प्रोपोर्शनेट हो गए, ओके. इसी तरीके से बच्चों, ये तो एक एग्जाम्पल था, है ना. इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन. हमें देखना है कि ये जो आपके पास, देखिए यहाँ पे 4 नंबर्स गिवन है, ठीक है. आपको ये बताना है कि क्या ये नंबर आपस में प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है. तो यहाँ देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, दो दो के क्या हो जाएंगे, रेशियो के पेयर बना लेंगे, ठीक है. तो पहला हमारा बन जाएगा 4:6 का, ये फर्स्ट रेशियो, और दूसरा बन जाएगा हमारा 8:12 का, है ना. ये दो रेशियोज बन गए, ओके. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, ठीक है. अब 4:6 है, उसको हम छोटा करते हैं, इस रेशियो को और छोटा करते हैं, इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म निकालते हैं. तो 4/6, ठीक है. अब इन दोनों को आप क्या करें, डिवाइड करें बेटा. देखिए 2 से डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है. तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे तो 2 की टेबल में 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है. एंड 2 की टेबल में 6 कितनी बार आएगा बेटा, 2 3 ज़ा 6, ठीक है. तो जो हमारा 6 4:6 का जो सिंपल फॉर्म आया वो
वो कितना आया बेटा, 2s2 3। ठीक है, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आया। ओके, अब इधर देखते हैं, है ना, इसका 8s2 12 का। ओके, तो 8/12 हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा, उसके बाद आप इनको भी डिवाइड करें। अगर मैं इनको 4 से डिवाइड करती हूँ दोनों को, है ना, तो देखिए 4 की टेबल में 8 कितनी बार आता है बेटा, 2 टाइम्स में आता है, और 4 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 3 टाइम्स में आता है। 4 3 12, 4 2 8। ठीक है, तो जब मैं इनका भी स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाल रही हूँ, मतलब 8s2 12 का भी स्मॉलेस्ट फॉर्म जब निकाला हमने, तो क्या आया बेटा यहाँ पे, 2s2 3। मतलब 8s2 12 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2s2 3, और 4s2 6 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म 2s2 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेशियो है मेरे, दोनों रेशियो 4s2 6 एंड 8s2 12, ये दोनों आपस में क्या है, प्रपोर्शन में है। ठीक है, इसका मतलब ये चारों नंबर जो हैं वो आपस में प्रपोर्शन में हैं। समझ में आ गई चीज, क्योंकि सॉल्व करने पे हमारा जो रेशियो आ रहा है, स्मॉल करने पे हम रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों ही रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा 2:3 एंड 2:3 का आ रहा है। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गई चीज, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4:6 एंड 8:12 आर इन द प्रपोर्शन। क्लियर, तो इस तरीके से हमें फर्स्ट क्वेश्चन करना था। ओके, ये तो हमारा एग्जाम्पल था। ओके, एंड ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसी का हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 33, 121, 9, 96। ठीक है, हमें बताना है कि ये चारों नंबर जो हैं वो एक दूसरे के प्रपोर्शन है या नहीं है, एक दूसरे, फर्स्ट ये एंड सेकंड ये। ठीक है, तो 33:1:1 ये हमारा फर्स्ट रेशियो, सेकेंड रेशियो हमारा है 9:96। ठीक है, अब दो रेशियो के बीच में कंपैरिजन ही हमारा क्या कहलाता है, प्रपोर्शन कहलाता है। ठीक है, तो हम दो रेशियो के बीच में प्रपोर्शन कर रहे हैं, दो रेशियो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, तो ये दो रेशियो हमने बनाया, अब इस रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब इनको हम डिवाइड करते हैं, देखिए 11 से डिवाइड करते हैं दोनों को। ठीक है, तो बेटा देखिए 11 की टेबल में 33 टाइम्स है ना, 11 की टेबल में हम 3 टाइम्स रीड करें तो 11 3 33। ओके, अब 11 की टेबल में 121 कितनी टाइम्स आता है बेटा, तो हम 11 11 रीड करते हैं। ठीक है, मतलब 11 को 11 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 1 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
क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे 121। मतलब अगर मैं 11 से डिवाइड करूँ 121 को, तो 11 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, है ना। 33:1:1 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया बच्चों, वो कितना आया, तो 33:1:1 का सिंपलेस्ट फॉर्म आया 3:11। क्लियर, ये चीज़ तो हमें समझ में आई। अब आप इसका सेम करके देखते हैं हम। 9:2 क्या है, 96। 9 अपॉन लिखिए 96, डिवाइड कीजिए, 3 से डिवाइड करते हैं दोनों को, ठीक है। देखिए 3 3 9, 3 की टेबल में 96 कितनी बार आता है बेटा, तो देखिए 3 3 9 एंड 3 2 6, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 96 को, तो बेटा 3 3 क्या होता है, 9 होता है, ठीक है। देन 3 2 क्या होगा, 6 होगा। 3 2 क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 32। तो 32 टाइम्स में हमारा जो 3 है वो 96 को डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो 9:96 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आया वो आया 3:32, यही आया ना।
ठीक है। अब देखिए इस रेशियो का 33:1:1 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ रहा था वो आ रहा था 3:11, बट वही अगर हमने 9:96 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला तो क्या आया बेटा यहाँ पे 3:32। क्या ये दोनों सेम रेशियो हैं? सेम नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे चारों नंबर हैं 33:1:1:10, समझ में आ गई चीज, ठीक है। ये आपस में क्या है? प्रोपोर्शनेट नहीं है, ठीक है, आपस में प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। सो बेटा इसी तरीके से देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए वेरीफाई द फॉलोइंग, है ना। क्या कर रखा बेटा इसमें, हमें क्या करना है? वेरीफाई करना है कि क्या ये आपस में प्रोपोर्शन में है या नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाई आप कैसे करेंगे? वेरीफाई जैसे हम अभी करते आ रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट रेशियो है, ये हमारा सेकंड रेशियो है, इन दोनों रेशियो का कंपैरिजन किया गया है, हमें बताना है कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं है, वेरीफाई करना है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 60/105, ठीक है, करते हैं बेटा 60/105, ये 15 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, है ना। अगर मैं 15 की टेबल 4 टाइम्स रीड करती हूँ तो 15 4 60, एंड अगर मैं 15 की टेबल 7 टाइम रीड करती हूँ तो 15 7 105, ओके। तो हम हमारा 60:105 का जो सिंपल फॉर्म आया वो हमारा 4:7, ठीक है, क्लियर। अब इसी तरीके से इधर करके देखते हैं 84/147, इनको डिवाइड करते हैं 21 से डिवाइड करते हैं बच्चों, है ना। तो देखिए क्या 21 4 84 होता है, तो देखिए यहाँ पे 21 4 1 4 and 4 2 8, बेटा 21 की टेबल अगर मैं 4 टाइम रीड करती हूँ तो 84 आता है ना, और 21 की टेबल में क्या 1 4 7 आता है, तो देखिए अगर मैं 21 7 रीड करूँ तो बेटा 7 1 7 and 7 2 14, 147 आ रहा है, ठीक है, मतलब 7 टाइम में 147 हो रहा है, ओके। तो 84:21 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आया बच्चों? 4:7, ठीक है। तो देखिए हमने जब इनका सिंपल फॉर्म निकाला 60:105 का तो भी हमारा क्या आया? 4:7, और जब हमने इनका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाला तो भी क्या आया बच्चों? 4:7, ओके। तो ये दोनों क्या हो गए बेटा? ये वेरीफाइड हो गए, ठीक है, सेम है, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इस तरीके से ही हमें बाकी के क्वेश्चंस को वेरीफाई करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आपके पास जो नंबर्स दे रखे हैं 4 नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, आपको क्या करना है? दो दो के पहले आप रेशियो के पेयर्स बना ले, ठीक है। रेशियो के पेयर बनाने के बाद उसका हम सिंपल फॉर्म निकालेंगे, इसका भी हम सिंपल फॉर्म निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या ये दोनों सिंपल फॉर्म जो है वो एक हैं। अगर ये दोनों सिंपल फॉर्म सेम सेम हैं तो इसका मतलब ये जो चारों मेरे नंबर्स हैं ये चारों नंबर आपस में क्या है? प्रोपोर्शन में है, ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड, क्लियर। और अगर वो नहीं है तो आर नॉट इन प्रोपोर्शन, क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन, ओके। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है हमारा 27:x प्रोपोर्शन 63:84, ठीक है। हमें इस एक्स की वैल्यू जाननी है बच्चों कि एक्स की जगह पे कौन सा नंबर होगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, देखिए एक्स की वैल्यू जब हम निकालनी है तो इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। बेटा देखिए बाहर वाले जो नंबर हैं 27 और 84, है ना, ये दोनों क्या हैं? बाहर हैं, ठीक है। तो जो बाहर वाले नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा?
ये अंदर वाले जो नंबर है मेरे x, जो हमें नहीं पता है क्या है, ठीक है, x जो हमें नहीं पता है कि इस x की जगह पे क्या वैल्यू होगी, ठीक है, और इधर से अंदर वाला क्या है बच्चों, तो है इधर से 63। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम मतलब जो बाहर वाले होंगे, ओके, नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ओके, कि एक्सट्रीम 27 मल्टीप्लाइड बाय 84 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 63, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर वाले एक्सट्रीम हो गए, अंदर वाले मीन हो गए। अब 27 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 84 से, तो बेटा 27 मल्टीप्लाइड बाय 84, ठीक है, ओके, 4 7 28, 8 टू कैरी, 4 2 8, 8 प्लस 2 10, ठीक है, 8 7 56, 6 5 कैरी, 8 2 16, 16 प्लस 5 21 प्लस करें 8 6 2 2, ठीक है। तो बेटा इन दोनों का मल्टीपल क्या आएगा मेरा, 2 2 6 8 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय 63, सो 63x, ठीक है। हमें x की वैल्यू जाननी है, x को हम बाहर लिखेंगे, सो x इज इक्वल टू 2 2 6 8 डिवाइडेड बाय 63, ठीक है, क्लियर। अब 63 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 2 6 8 को, ये 6 टाइम में ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। देखिए डिवाइड करके देखते हैं, थ्री जा। अब देखिए 63 टू डिजिट है, तो अगर हम टू डिजिट को देखें तो 22 है जो कि छोटा है, इसलिए हम थ्री डिजिट को देखेंगे, मतलब 226 को देखेंगे, ठीक है, कि क्या ये 63 की टेबल में आता है, और अगर ये नहीं आता है तो हम इससे छोटा देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 63 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो बेटा 3 3 9 एंड 3 6 18, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है मेरा वो 226 से छोटा नंबर है, तो 3 टाइम में 189 माइनस कीजिए, 16 में से 9 गए, कितने बचे बच्चों, 16 में से 9 गए 7, ठीक है, यहाँ क्या बच गया, यहाँ रिमेनिंग बच गया 1, 11 में से 8 गए 3, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, और यहाँ 1, 1 में से 1 गया 0, यहाँ बच क्या गया था अपना 8, ठीक है। अब देखिए 63 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए 6 3 18, 18 का 8 1 कैरी, 6 6 36 36 प्लस 1 37, ठीक है। तो 3 7 8 माइनस करने पे इसका मतलब 63 की टेबल में 63 की टेबल में 36 टाइम में 2 2 6 8 मेरा डिवाइड हो रहा है। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, सो x इज इक्वल टू 36, ये हमारा आंसर है, ठीक है, क्लियर। चीज़ें समझ में आई कि किस तरीके से हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना बच्चों, जो बाहर वाले जो रेशियो होंगे, ठीक है, ये जो हमारा ये आपको याद रखना है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, एक्सट्रीम मतलब बाहर वाले, मीन मतलब अंदर वाले, ठीक है। तो एक्सट्रीम को एक साथ हमें मल्टी, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, एक्सट्रीम को हमने एक साथ मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू जो हमारा मीन था उसको भी एक साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया, 2 2 6 8 इज इक्वल टू 36 को अगर हम x से मल्टीप्लाई, सॉरी 63 को जब हम x से मल्टीप्लाई करें तो 63x आएगा। x की वैल्यू निकालनी थी बेटा, तो x को इधर किया हमने, ठीक है, तो x इज इक्वल टू, अब बेटा x के साथ 63 क्या था, मल्टीप्लाई में था, जैसे हमने ट्रांसपोज किया ये डिवाइड में आ गया, ठीक है, एंड देन x इज इक्वल टू 2268 डिवाइडेड बाई
63 डिवाइड करने पे कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, 6 टाइम में हमारा कंप्लीट डिवीजन हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया जी। सो x की वैल्यू कितनी आई, 36। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, नंबर फिफ्थ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है डिटरमाइन द फॉलोइंग रेशियो आर प्रोपोर्शन। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है हमारे इस एक्सरसाइज के सभी एक जैसे ही हैं। ठीक है, सभी में हमें पोर्शन ही डिटरमाइन करना है। ठीक है, बड़ा सा पैटर्न अलग है। ठीक है, क्वेश्चंस के पैटर्न्स अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है, किसी में वेरीफाई करना है तो किसी में हमें डायरेक्ट डिटरमाइन करना है। ठीक है, बट जो मेथड्स होंगे बेटा वो मेथड्स हमारे सेम होंगे। ठीक है, किसी में हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी रहेंगे वो सभी आप अपनी प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस ज़रूर करना है बच्चों। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, इसमें भी हमें डिटरमाइन करना है। रेशियो गिवन है 25 सेंटीमीटर इज टू 1 मीटर। ठीक है, एंड 40 रुपीज इज टू 160 रुपीज। अब देखिए रेशियो का पहला ही रूल क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट और यूनिट क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना। यहाँ देखिए इस रेशियो में 40 रुपीज़ है तो यहाँ 160 रुपीज़ ही है, मतलब रुपीज़ का कंपैरिजन रुपीज़ से किया जा रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ अगर हम देखें इस रेशियो में 25 सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है 1 मीटर, तो 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है। बेटा यूनिट हमें सेम करनी होगी। यूनिट सेम करने के लिए अब क्या करें, देखिए 25 सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है 1 मीटर, तो बेटा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमने चेंज कर दिया ना 1 मीटर को सेंटीमीटर में लेकर आ गए और उसको हमने फिर इस तरीके से फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया। अब 25 और 100 को डिवाइड करते हैं। बेटा अगर मैं 25 को 25 से ही डिवाइड करूँ दोनों को, है ना, 25 अपॉन 100 को 25 से डिवाइड करूँ, तो बेटा 25 वन ज़ा 25 एंड 25 के टेबल में 100 कितनी बार आता है बच्चों, तो 25 के टेबल में 4 टाइम्स में 100 आता है। ठीक है, तो 25 4 ज़ा 100। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए आप, 4 5 ज़ा 20 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 2 10 100 आ रहा है ना। ठीक है, ओके, सो यहाँ 1:4 आया, मतलब 25:100 का सिंपल फॉर्म में रेशियो आया 1:4। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इनका भी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ है 40 अपॉन 160, इसको भी डिवाइड करते हैं हम, इसको भी हम 40 से डिवाइड करते हैं दोनों को। ठीक है, तो देखिए 40 के टेबल में 40 वन टाइम, 40 के टेबल में 160 4 टाइम। देखिए 40 4 ज़ा 4 0 ज़ा 0 एंड 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो 40 के टेबल में 160 कितने टाइम में, 4 टाइम में, तो इनको डिवाइड करने पे 40:160 का जो रेशियो है सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, 1:4। तो दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो क्या आया, 1:4 एंड 1:4। ठीक है, इसका मतलब हैंस 25:100, 40:160 आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, समझ में आ गई चीज, ये आपस में क्या है, क्वेश्चन में है, समझ में आ गई। इस तरीके से ही हमें फिफ्थ क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करना था, इसमें क्या अलग था, इसमें सिर्फ एक चीज़ अलग थी। ठीक है, यहाँ हमारी यूनिट डिफरेंट कर रखी थी, अब आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है कि ठीक है रेशियो में अपन ने पढ़ा क्या है कि यूनिट सेम होनी चाहिए बच्चों, तो बस यूनिट पहले सेम कीजिए और फिर वही मेथड है, फिर कोई चेंज नहीं है इसमें। क्लियर, समझ में आ गई चीज़। ठीक है, तो बस थोड़ा सा क्या कर दिया, पैटर्न बदल दिया क्वेश्चन का। ओके,
ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को देखकर ऐसा नहीं समझना कि क्वेश्चन ही डिफरेंट है, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, बस उसका क्या कर दिया है, पूछने का पैटर्न जो है ना वो पूछने का तरीका बदल दिया गया है ना, ठीक है, ताकि आपको ये पहले का भी ध्यान रहे। ऐसे क्वेश्चंस क्यों दिए जाते बच्चों, ताकि आप पहले की भी चीज़ों को याद कर सके, ठीक है। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा है कि यूनिट सेम करनी चाहिए हमें सबसे पहले, ठीक है। तो बेटा यूनिट सेम होगी तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, तभी हम रेशियो निकालेंगे, है ना। तो रेशियो जो होता है वो सेम ऑब्जेक्ट्स के बीच होता है, सेम यूनिट्स के बीच होता है, सेम क्वांटिटी के बीच होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप भूल ना जाए इसीलिए फिर से इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, क्लियर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसे क्वेश्चंस और हैं आपकी बुक में, आप उनको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है।